चालू नहीं क्या भाई, रुक जा। पाएगा
जब भी मन न लगे पढ़ने के लिए तो उस इंसान का चेहरा याद रखिएगा जो आपके परिवार, माँ बाप और आपके ऊपर सबसे ज्यादा हंसाता है, क्योंकि अगर आप लापरवाही किए तो फिर उसको हंसने का मौका मिल जाएगा। तो ये मौका कभी नहीं देना है उन लोगों को। दृढ़ संकल्प हो गया यहाँ से जाना है, जब पटना से आए हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएंगे, ठीक है। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सचिन अरोड़ा सर को। अभी सारे लोग आपसे बात करेंगे, सारे टीचर लोग, ठीक है। तो पठान लोग दहेज का गाड़ी नहीं चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए? अब तुम लड़की लोग पढ़ लिख के इतना कामयाब हो ना, दहेज माने दो भक्त झूठ हो गए। कैसे हो गया दो चार लोग पिता का दहेज ऐसे शांत हो जाएगा। आप लोग बैठेंगे, अब बाकी सारे फैकल्टी से हम लोग को मिलाते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इतना टाइम हम लोग को क्यों लगा, आखिर हम लोग की मजबूरी क्यों थी हिंदी टाइप में। वरना पटना में जो पहले से चलते आ रहा है कुछ कोनो अगले बगले ला के यूपीएससी पढ़ा के चल जाता था पहले, अब वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। जब सर को हम लोगों ने बताया कि सर हम लोग केजीएस में यूपीएससी स्टार्ट करना है, एकदम इनिशियल फेज में था, तो हम लोग ने बताया कि इस संस्था का उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक जो दो समस्याएं आती है, एक पैसे की समस्या आती है, दूसरा क्वालिटी की समस्या आती है। बहुत सारे ऐसे संस्था है जिसमें एक सब्जेक्ट बढ़िया है, बाकी चार पांच टॉपिक ने बिना मतलब के। तो हमने यही किया कि हमने हर सेक्टर के सबसे धुरंधर, आपके पास दो रास्ते, दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर कौन है ये गूगल पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो केजीएस में कौन पढ़ा रहा है ये सर्च कर लीजिए। हमको याद है सर वो दिन हमारी और आपकी जो मीटिंग हुई थी, रात को 3 बजे आया था मीटिंग का, रात को 3 बजे हम लोग यहाँ पे, और रात को 3 बजे फिर हम लोग नोएडा से निकले थे लोग, उतना रात तक हम लोग मीटिंग होते थे। और एक मीटिंग में सर ने भी कह दिया हाँ हम बच्चों के लिए काम करेंगे और उस चीज को दिखाया। तो अब आप लोग का भी फर्ज बनता है, सोचिए रात को 3 बजे तक मीटिंग, समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार पटना आया हूँ, बुद्धू से बुद्ध तक की यात्रा, और माफ कीजिएगा बुद्धू कहा है, ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुद्धू हैं। बुद्धू को भी जब ज्ञान हुआ तो उन्हें लगा ये ज्ञान तो मेरे पास था ही, आपके पास है, सारे शिक्षकों ने आप में से उसे निकालने की कोशिश की है। तो बात आज दो विषयों की करना चाहूंगा, पहले सिविल सर्विसेज इन जनरल थोड़ा ही समय लूंगा और फिर भूगोल की, ठीक है। भूगोल मेरा विषय है, आप सब आए हैं और आप सब ने जिस तरह से जो उत्साह दिखाया, भूगोल वैकल्पिक में भी मुझे बहुत उत्साह दिखाई देता है, और कई बार जब हमारा उत्साह कम होने लगता है तो आप शिक्षक से, आप छात्र से शिक्षक के उत्साह को दोगुना कर देते हैं। तो यूपीएससी में पहली चीज, जहां किताबें खत्म हो गई, जहां पर किताबें खत्म हो गई यूनिवर्सिटी की, वहां से आपके शिक्षकों ने शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ाया गया उसमें कुछ कमी थी, लेकिन
लेकिन आपकी तैयारी में यूपीएससी के लिए जो धार चाहिए उस धार के लिए केजीएस में हम सब आंदोलनरत हुए हैं, उस धार के साथ इस परीक्षा की तैयारी करेंगे। तीसरी चीज, इतना बड़ा आंदोलन है, हर वर्ग के छात्र बैठे हैं, कुछ छात्र अभी 12वीं में हैं, कुछ ने अभी ग्रेजुएशन नहीं की है, धैर्य। इस परीक्षा में जो टिक गया वो मंजिल तक पहुंचा, जो डर गया वो खत्म। हम इस विश्वास के साथ आए हैं, सबसे पहले जब केजीएस की संकल्पना यूपीएससी के लिए हो रही थी तो सर ने कहा कि अगले 4 से 5 वर्ष में, हम इस तरह के बीज बोएंगे कि यहाँ से हर जगह से फल निकलेगा और यूपीएससी, डीपीएससी, यूपीपीसीएस में जितने भी बच्चे ये सपना रखते हो केजीएस से जुड़ेंगे उनके पास वो क्षमता होगी कि वो इस रिजल्ट को लेकर आए। तो आप लोगों से बस एक चीज है, अपने पे विश्वास करिए, बुद्धू महसूस करते हैं अपने अंदर को, बुद्ध को आने दीजिए और हम सब उसी के लिए तत्पर। पहली चीज, अब और मेरे शिक्षकगण बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, सीधा भूगोल पे आना चाहता हूँ। भूगोल किताबों में बहुत पढ़ा और किताबों से बहुत लड़ा मैंने, अब मैंने भूगोल देखना शुरू कर दिया है। आपने भी देखना शुरू किया कि नहीं किया? Yes, sir. भूगोल दिखता है कि नहीं दिखता है? Yes. मुझे याद है एजीएस में मैंने जीएस की क्लास ली थी, जो पहली मेरी जीएस की ऑनलाइन क्लास थी, उसमें पहला बात जो मैंने की थी, उस समय तुर्की में भूकंप आया था, भारी भूकंप था, आप लोग उसे करंट अफेयर्स के रूप में भी देख रहे थे और हमने कहा कितना नुकसान हुआ। और अभी पिछले सप्ताह ताइवान में भी भूकंप आया, ना इसमें खुश होने की बात है ना दुखी होने की बात है। तुर्की में जो बर्बादी हुई थी, ताइवान में लोग हैरान है कि बर्बादी हुई कैसे नहीं, भूकंप ज्यादा भीषण था, तो फिर कहूंगा भूगोल हमारे चारों तरफ है, तुर्की उसके लिए तैयार नहीं था, ताइवान तैयार था। करंट अफेयर्स भी है और विचार भी है, आज की ज्योग्राफी, लॉजिक है। और मुझे पता है अगर हमारी तैयारी हो, याद हो चाहे ना याद हो, लॉजिक सभी के पास। बरसात होती है, तूफान आता है कि नहीं आता है, तो बाहर निकलते हुए क्या सोचते हैं? छाता ले चले, भीग जाएंगे, डर तो नहीं लगता है क्या? यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर में जाने में डर लगेगा? वहां लगेगा, बारिश में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बारिश युद्ध थोड़ी है। लेकिन अगर यूपीएससी में प्रश्न आता है, अभी मैंने सुना पश्चिम बंगाल में टोर्नेडो आया, टोर्नेडो आते नहीं है भारत में, रेयर है, टोर्नेडो आता है अर्जेंटीना में और उत्तर अमेरिका में, भारत में आया, क्यों आया? आप लोगों ने ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो, युद्ध हुआ दो वायु राशियों का, एक गर्म और नम वायु राशि, एक ठंडी वायु राशि। अगली बार जब बारिश हो ना, ध्यान रखिएगा युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, वायुमंडलीय लड़ाई हो रही है। तो अगर प्रश्न में कई बार ऐसा होता है हमें उत्तर नहीं आता, तो क्या हम उत्तर में ये कह सकते हैं कि भाई शुरू अस्थिरता से होगा, वायुमंडल में अस्थिरता होगी, इतना लॉजिक है कि नहीं अपने पास? फिर प्रीलिम्स में उसी से जुड़ा हुआ वाक्य ढूंढ लेंगे और मेंस में वैसा ही वाक्य लिख देंगे। तो सबसे अनुरोध है कि इन क्लासेस में जो भी आपको सिखाया जा रहा है, यूपीएससी के लिए विशेषकर बात कर रहा हूँ, अपने लॉजिक का विकास करें। प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर है, जो उस बुद्धू आवरण में फंसे हुए हैं उनको निकाल के बुद्ध निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? सबसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं, केजीएस की बुकलेट्स पढ़िए, मुझसे मत लड़िए कि सर ये किताब पढ़ूं या ना पढ़ूं, बड़ी सोच के बनाइए। केजीएस की बुकलेट्स केजीएस के क्लासेस के साथ यूज करिए और जितना भी जो भी हमारी टीम आपके लिए सोचती है, चाहे टेस्ट के थ्रू हो, चाहे मल्टीपल चॉइस के थ्रू हो, करिए। और मुझे ये कहने की अब जरूरत नहीं है कि अगर मुश्किल हो तो मुश्किल झेल जाना, सर ने बता दिया है रात को 1 बजे से आप झेल सकते हो, यहाँ पर पहुंच गए। और ये भी बताना चाहता हूँ जो छात्र कैपेसिटी के कारण नहीं आ पाए उनका भी रिकॉर्डिंग पहुंचेगी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और उनसे भी ये कहना चाहता हूँ अपनी तैयारी में जो केजीएस धार लाना चाहता है उस धार को रखिए, ठीक है। शिक्षक को माइक दिया जाए तो बोलता जाएगा, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा मेरे बाकी। निबंध के पेपर में जिनकी प्रामाणिकता और श्रेष्ठता निर्विवाद है, आइए स्वागत करते हैं श्री धर्मेंद्र सर का। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका केजीएस में हार्दिक स्वागत है। ये अपने लिए भी एक अच्छा अवसर और सौभाग्य है कि अपनी जन्मभूमि में सेवा करने का अवसर मिलता है। यहाँ मेरे भी है और पिछले 30 वर्षों से दिल्ली में कार्यरत सेल सेवा की तैयारी करने वाले हैं, उनके संदर्भ में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिकारी नहीं, क्योंकि देखिए आपकी जरूरी नहीं कि आप बिहार से एग्जाम दे रहे तो आपको बिहार कैडर ही मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कर्नाटक कैडर मिलेगा, किसी को केरल कैडर मिलेगा। बिहार में वन थर्ड अधिकारी ही बिहार के रहते हैं, 33%, बाकी ज्यादातर बाहर के ही रहते हैं, क्योंकि संविधान इस तरह से लिखा गया है ना कि यहाँ पे आप ऐसे देखिए सारे आईएएस अधिकारी आईएएस पीसीएस जितने हैं, जितने बड़े बड़े हैं, वो सब एक ही राज्य के एक ही कैडर के हो जाएंगे। तो संविधान को ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ खींचतान या पक्षपात न हो, और अगर उस राज्य के निवासी को ही उस राज्य में ना भेजा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि मूलभूत समस्याओं को लोग देखने में थोड़ा देर कर रहे, इसलिए बेटर है कि वन थर्ड भेजिए उस राज्य में, बाकी लोग को बाहर वाले भी रहना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि आपका एक ही कैडर में मिले, लेकिन जैसे ये शिक्षक लोगों का मार्गदर्शन है, हम लोग का उद्देश्य यही है कि बस आप लोग का सिलेक्शन दिला देना, बाकी कैडर आप लोग का सब हम लोग के हाथ में नहीं है। वहाँ जैसा जो कैडर आप लोग को मिले, पर जहाँ जाइएगा वहाँ आप लोग एक रोशनी बन के भरिएगा। दीपक खुद को जलाता है तब जाके रोशनी मिलती है, कोई दीपक का दर्द नहीं समझ पाता। इकोनॉमी की कठिन अवधारणाओं बढ़ाने के काफी सरल तरीके और यूपीएससी में आने वाले प्रश्नों की सही भविष्यवाणी करने की क्षमता रखने वाले स्वागत कीजिए रामेंद्र सरकार। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग यूपीएससी में कहीं से भी कोई तरह की समस्या नहीं आई। हम लोग रात को 3 बजे तक हम लोग आपस में ये बैठक किया करते थे कि किस तरह से बच्चों की सेवा कर रहे हैं। सर ने भी कहा था कि यह एक संस्था नहीं है बल्कि एक समाज में क्रांति लाने के लिए है, और सर ने भी कहते कि मैं एक शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि समाज को बदलने वाली क्रांति की आहुति देने के लिए उसमें हम कंधे से कंधा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के उत्साह को देखना, और ये एक अपने आप में निराला अनुभव है। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह का जोश आप दिखा रहे हो अभी, ये आखिरी पॉइंट तक रहेगा और आप लोग सफल हो ये शुभकामना मैं देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, और आपके माता पिता का नाम आप रोशन करें। और खान सर एक प्रकार का यज्ञ चला रहे हैं, मैं तो इसको ज्ञान का यज्ञ मानता हूँ, और उसमें हम लोगों की तरफ से भी आहुति लगे इस विचार के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका बेहतरीन रिजल्ट रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। अब आज तो हम लोग मोटिवेशन के स्तर पर तो खान से खुद अपने आप में इंडिया के सबसे बेस्ट मोटिवेटर हैं। तो मैं मोटिवेशन के बाद ना एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होता है सर, आप लोग एग्जीक्यूशन के एकदम बेहतर हैं आप, क्योंकि मोटिवेशन आपको पढ़ने के लिए जो भी आपके प्रेरित कर सकता है, बट एट लास्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बस वो आपको प्रेरित कर सकता है। तो हमारा काम क्या है, आप लोगों को प्रेरित करना है। दवाइयाँ जो खाते हैं शरीर को वो प्रेरित करता है, और अंततः हमारे शरीर को ही लड़ना पड़ता है बीमारियों से, उसी तरह हम प्रेरित कर सकते हैं। और सब लोग युद्ध के मैदान में, जो एग्जाम का मैदान है उसमें आप लोग को युद्ध कला नीति से संपूर्ण विद्या देंगे आप लोग, और तब जाके आप लोग एग्जाम में गुजर पाएंगे। दोस्तों मैं तो क्लास में बोलता भी हूँ कि पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, और हमेशा इस बात को स्थापित करने की कोशिश करता हूँ कि आप अनुशासन में रहें। डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है, और जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है उसने कुछ भी अर्जन नहीं किया है।
ज्ञान धन और अन्य चीजें बाद में है, अनुशासन संस्कार और नियमबद्ध जीवन जीना ही मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन रिजल्ट लेके आएंगे और अनुशासन में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो यज्ञ ज्ञान से चला आप ध्यान से चला रहे हैं उसमें आप अपना योगदान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर हिम्मत हो और आप ये मान के चले कि मुझे किसी भी हाल में रिजल्ट लेना है, आप निरंतर होना वो लोग होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप दमदार तरीके से अपने सिलेबस को तैयार करते हैं, यूपीएससी सिलेबस बेस एग्जाम है, याद रखिएगा जिसका सिलेबस पे कमांड है वो ये एग्जाम निकाल सकता है। इसीलिए यदि आप सिलेबस पे कमांड रखते हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो कोई डरने की बात नहीं है, हिंदी माध्यम में हर साल रिजल्ट होते हैं। जो लोग दमदार हैं, हिंदी माध्यम की हमारी शिक्षा थोड़ी अच्छी नहीं है इसकी वजह से हिंदी माध्यम के लोग थोड़ा कम रिजल्ट देते हैं, लेकिन आप हिम्मत बनाइए, अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त करिए, आप देखिएगा कि आपके अंदर कितने चमत्कार आएंगे और मैं भी उसमें सहयोग करता रहूँगा। खान सर के जरिए मैं चुना हूँ, मुझे बेहद खुशी है और खान सर के लिए एक बार मैं फिर से कहूँगा, साहित्य चूंकि मेरा विषय है कि कहीं पैदा ना हो जमीन से आसमां कोई, क्या कहना, कहीं पैदा ना हो जमीन से आसमां कोई, दिल कांपता है आपकी रफ्तार में। खान सर की जो रफ्तार है वो हम सबको प्रेरित करती है, हम सब शिक्षकों को प्रेरित करती है। कितने कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है और आज हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप हिम्मत करिए, सपने देखिए, समाज की परवाह छोड़ दीजिए और अगर हिंदी अगर आपका विषय है तो मेरी क्लास में भी मिलिए, वहाँ हम लंबी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे और आपके साथ तैयारी की रणनीति और तमाम चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सुंदर वचनों का सबका शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे प्यारे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को केजीएस को इतना प्यार देने के लिए दिल से आप सभी का आभार। कहता हूँ कि आप ऊंचे सपने देखो, बड़े सपने देखो, आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। आप सभी जानते हैं कि केजीएस में खान सर की जो लीडरशिप है, जब मैंने एनसीसी की थी तो यहाँ पहले ही जो आर्मी के लिए बहुत सारी चीजें करते थे, तो पढ़ा था कि आर्मी की मैं लीडरशिप की परिभाषा क्या है या लीडरशिप आप किसे कहेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने देखा, खान सर को जब देखा तो मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअल में लीडर क्या होता है। तो खान सर यानी बिहार केसरी के लिए मेरी तरफ से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार अपने मोबाइल की टॉर्च यानी अपनी फ्लैश चला के और खड़े होकर सर का अभिनंदन कीजिए। चले जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि सब चीजों से दूर।
आ जाए आप। हालांकि मोबाइल को तो क्या ही कीजिएगा आजकल, उसे दूर भागना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप सबसे पवित्र चीज हो गया है मोबाइल, मत पूछिए, उसको अस्पताल में भी चल जाता है और शमशान घाट में भी चल जाता है, बाजार में भी जाता है, अब बिना धुले फिर वापस रसोई घर में भी चला जाता है, पूजा घर में भी चला जाता है। आदमी जाए शमशान घाट में तो हाथ में धुल गया था, मोबाइल बिना धुले चलाता है। अभी के टाइम में वही सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन है, और ये लाल पीला हरा के चक्कर में ना लड़का पड़े ना लड़की पड़े, पटना का प्रेम पटने में रह जाता है, समझा गया। और आजकल का दौर है ना, आजकल के रिश्ते भी ब्लूटूथ की तरह हो गए, थोड़ी सी दूरी बढ़ाइएगा ना तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस हो जा रहा है। तो ये दौर बड़ा पता है, इस दौर में थोड़ा बच के रहिए। इस दौर में अगर आप वफा खोज रहे हैं तो बड़े नादान हैं आप, चहर के सीसी में दवा खोज रहे हैं। क्या 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 बात है, तो अपने आप को बचा के रखिए। एजुकेशन में एक जीएसटी बहुत जरूरी, जीएसटी और टैक्स वाला, जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी सफल होने के लिए पढ़ाई के माध्यम से जी और गार्जियन का भी सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे ज्यादा फेस करती होंगी लड़कियां, गार्जियन को पढ़िए में चढ़ जाते होगा पब्लिक, कितना ये 6 महीना हुआ नहीं, सिलेबस खत्म हुआ नहीं कि मम्मी का रिजल्ट कब हो जाएगा। बॉयज को थोड़ा गार्जियन ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, गर्ल्स को गार्जियन कम सपोर्टिव होते हैं, लेकिन गार्जियन को भी समझिएगा उनके ऊपर एक नैतिक और सोशल जिम्मेदारी भी होता है। अब आप लोग यहाँ पे पढ़ने के बजाय लगेगा घूमने फिरते जाके घर पे, हमारा ये अधिकार है, ये है अधिकार, से पहले आपको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। आप अपने कर्तव्य को निभाइए, जिम्मेदारी को निभाइए, अधिकार खुद से मिल जाएगा। पिता को घर में अधिकार मिला होता है किसी को डांट देते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया, घर का पालन पोषण, आपको अच्छी शिक्षा, हर जरूरत को पूरा किया, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करके देखिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, आपको अपना कर्तव्य नहीं दिखता है, भाई की जिम्मेदारी नहीं दिखती, लेकिन भाई का अधिकार दिखने लगता है। तो सब चीज से देखिए आपके ऊपर थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक बोझ बढ़ जाता है, गार्जियन को भी सपोर्टिव होना चाहिए। दूसरा होता है स्टूडेंट, पढ़ाई में जीएसएस और स्टूडेंट, स्टूडेंट का भी अपना योगदान होता है, गार्जियन कितना भी सपोर्टिव रहेगा, पढ़ेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता। तीसरा होता है टीचर, टीचर, जीएसटी, गार्जियन, स्टूडेंट एंड टीचर, टीचर भी बेहतर होना चाहिए, क्या सिलेबस है उसको पढ़ाना चाहिए। पटना की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है कि बच्चों को टीचर लोग जो पढ़ाते थे उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहता था, टीचर अपनी विद्वता दिखाने के लिए कि हम कितना जानकार हैं, इतना परोस देता था विद्यार्थियों के आगे। तो आजकल के विद्यार्थी लोगों को भी नहीं समझ में आना चाहिए, समझ में आता है कि रेलेवेंट एग्जाम के लायक है कि नहीं है। कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चों को लगता है कि टफ, अरे वही एग्जाम में आता है तो फिर आसान पढ़ लो, पढ़ने में तो बहुत मजा आएगा, रिजल्ट नहीं होने वाला यहाँ पर। तो तीनों का योगदान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि सब चीज एकदम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सके। जैसा कि हम आप लोगों को पहले बोले थे कि गार्जियन का सपोर्ट होना, आप अपने गार्जियन का भरोसा खुद जीत सकते हैं। स्टूडेंट का जहां तक रोल है, आपको अपना खुद का जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, आप लोग आराम से रहिएगा, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी विफल हो जाते हैं वो यही ही है, आज की पढ़ाई को कल पे टालें, कल वाला परसों टालेंगे, उसी तरह रिजल्ट भी टल जाएगा। आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल रिजल्ट आपका नहीं हो जाएगा। तो जो टीचर की योग्यता होनी चाहिए था, जो टीचर की भूमिका होनी चाहिए था, हम लोग कितना मेहनत करके दिल्ली से इतने बेहतर बेहतर शिक्षक लेके आए, जहाँ आपको हर एक शिक्षक अपने आप में न जाने कितने अधिकारियों को पढ़ाए, आजकल बड़े बड़े पोस्ट पे आप सोचिए, सर के जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए, सेक्रेटरी लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। शुरुआत में आपको तो जिला जिला खेलने के लिए से डीएम दे देता है, तो जिला से डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपको कुछ करना थोड़ी है, ऊपर से आदेश आया फॉलो कीजिए। मेन डिसीजन मेकिंग कब होता है, जब आप सेक्रेटरी लेवल तक चले जाते हैं, समझा ही नहीं, नीचे वाले को क्या करना है, वो तो डीएम एसडीएम एग्जीक्यूशन के लिए जो आदेश आ रहा है फॉलो करते रहिए, उस लेवल तक है। तो आप लोगों को काफी ज्यादा अनुभव का ये फायदा होगा इस सेक्टर में, वरना आप लोग जब दिल्ली जाते हैं तो भटक जाते हैं, किसी कोचिंग में एक टीचर अच्छा है तो किसी में एक को अच्छा नहीं है, अब फीस सबका क्या चीज है, भाई 1.5 लाख 2 लाख बिना मतलब का। अब वहां जाने के बाद आप दुविधा में ये फंस जाते हैं कि वापस पा नहीं सकते क्योंकि गार्जियन से आप लड़ के गए थे, तो फिर वहीं जाएंगे किसी पैसा बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, जब नहीं होगा फाइनेंशियल स्थिति खराब रहेगी, सोसाइटी तक की नौबत आ जाती है। तो ये सब चीजें हैं जो हम आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठे रहेंगे क्योंकि हम लोग शिक्षक लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा इन लोगों के लिए भी कुछ जलपान वगैरह की व्यवस्था सब सब लोग करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट दिल्ली से ही आए, आप लोग मुझे वहां अलाउ ही नहीं है, हमारे ओर से नहीं बनाया। हाँ, हमारे ओर से नहीं बनाया।
अभी थोड़ा बस 10 मिनट टीचर को भी टाइम दीजिए, कितने देर आप लोग थोड़ा टाइम सर सुमित सर का पार्टी रिजल्ट ले आना अधिकारियों को, जिसमें टॉपर भी है, हम लोग बहुत सारे लोगों से मुलाकात मिलाए भी, क्योंकि उसके जस्ट बाद पटना में ना धारा 144 लग गई थी रेलवे वाले प्रोटेस्ट के लिए, तो बहुत सारे लोग हम लोग नहीं ला पाए, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गए थे। इस बार बस यही कहना है कि आप लोग यूपीएससी सेक्टर में और बीपीएससी में जिस भी अधिकारी सेक्टर में जा रहे हैं, आप लोग इतने संजीदगी से पढ़ाई कीजिए कि खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग अपने आप को धोखा देते हैं, आपका रिजल्ट होगा या रिजल्ट नहीं होगा ये पहले ही पता चल जाता है, ऐसा नहीं कि बाद में पता चलता है, आपकी पढ़ाई के दौरान ही पता चल जाता है किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा। जब वो एग्जाम हॉल में बैठा रहता है वहीं पे पता चल जाता है, फिर आपको याद आएगी कि कहाँ कहाँ गलती किए थे। अभी आप लोग देखिए आपको एक सस्ते पहले क्या था कि फीस काफी महंगी थी, तो बहुत सारा ऐसा होता था कि फीस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती थी या फिर अच्छे टीचर नहीं मिल पाता था। अब ना आपके लिए फीस बाधा बनी है ना आपके लिए अच्छे टीचर बाधा बने, अब आपके लिए बाधा बन गए आप लोग खुद अपने आप। तो अपना अगर समय बर्बाद कर लेंगे फिर आपको उसके सिवा आप जब खुद ही बर्बाद करेंगे ना, किसी नाय का खेलने वाला माझी जब भी नाव को डुबाने लगे नाव को कोई नहीं बचा सकता है। आज के वक्त में लड़का और लड़की सब लोगों से कहते हैं ये जो आप आराम की जिंदगी ढूंढ रहे हैं, याद रखिएगा शुरुआत में आपको वर्क करना पड़ेगा। जब आप छोटे होते हैं ना तो आपको पेंसिल दिया जाता है लिखने के लिए, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको कलम दे दिया जाता है। कलम इस बात का संकेत होता है कि अब आप अपनी गलतियों को आसानी से नहीं सुधार पाएंगे, इसलिए अब आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अब आप गलती मत करिए। और लड़की लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि नौकरी करना है, बल्कि शिक्षा इसलिए जरूर लीजिए कि जीवन में कभी विकट परिस्थिति आए तो कोई आपको ताने ना मारे कि बैठे बैठे घर में तो खाती रहती और क्या करना रहता है, आप अपने पैरों पर खड़े हो सके आप इसलिए जरूर पढ़िए। आप उस व्यक्ति बहुत सारे लोग महिलाओं की शिक्षा का विरोध करते हैं, महंगी भी थी एक और ये भी रीजन था, तो महिलाओं की शिक्षा का जो विरोध करते हैं उस व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि जब उनकी पत्नी का अगर डिलीवरी का ऑपरेशन हो तो लेडीज डॉक्टर खोजे, वहाँ पे भी उनको कहना चाहिए तो जेंट्स डॉक्टर खोजो, तुमने तो महिलाओं को आपको ऑफिस में बता दिया जाएगा कैसे होगा, गोविंद रोड में भी स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग का अपने आप में जाओगे तो बताएंगे आपको। देखिए सभी के पास तो माइक नहीं जाएगा, पांच दस आराम से पहले बात बैठ जाओ तब तो ऐसे बैठे दस से पंद्रह लोग एक साथ, अगर आपका एक साथ सवाल है 10 से 15 लोग वो सवाल एक साथ एक लड़का बताएगा, ठीक है, सभी के पास माइक नहीं जाएगा। प्लीज प्लीज ये पूछ रहे हैं आंसर के लिए पढ़ाई के दौरान होती रहती है, लेकिन उसमें क्या है आपको कभी प्रीवियस ईयर कभी प्रैक्टिस सेंटर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये समस्या नहीं आएगी आपको, लेकिन कितना भी मन भागे पढ़ाई से तो मन नहीं भागने देना, मजबूरी है वही काम करते रहना है किसी भी आपको। नीट वाला एंट्री करावा के बाद बिल्कुल रख सकते हैं आपका ऑप्शनल ग्रेजुएशन में क्या था उससे कोई मतलब नहीं, ग्रेजुएशन आपका वैलिडिटी था और ऐसे कमीशन वाले में आपको हिस्ट्री रखना है हिंदी रखना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिवा